तो हम प्रोकैरियोट्स के लेक्चर कर रहे थे कि हम इम्पोर्टेंस तक आ गए थे। टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑलमोस्ट कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में हमारे पास केमिकल कंट्रोल भी आते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड भी हमारे पास आते हैं। और फिजिकल मेथड जो है ना, ये स्टरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। पहले हम केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में हमारे पास एंटीसेप्टिक्स आते हैं। एंटीसेप्टिक ये किस पे यूज होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीसेप्टिक ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग यूज होते हैं। डिसइंफेक्टेंट किस पे यूज होते हैं हमारे पास? डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग। और दे आर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं फिनोल, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कीमोसिंथेटिक एंड एंटीबायोटिक। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं ना, इनका ऑरिजन हमारे पास सिंथेटिक होता है, यानी बनाया हुआ होता है, ठीक है। और हमारे पास कौन सा है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हमने कहाँ से हासिल किया होता है? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लिविंग बैक्टीरिया हो गई है, ठीक है, बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक हासिल करते हैं, ठीक है। और इसका ऑरिजन भी हमारे पास क्या है, यानी लिविंग से हमने हासिल किया, तो ये लिविंग है हमारे पास। जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास हो गया है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल मेथड आते हैं, ठीक है। मैंने पहले पहले कहा फिजिकल मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन टर्म भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन टर्म। इसमें हमारे पास आ जाती है हीट। हीट अब दो किस्म की होती है, एक हमारे पास वेट हीट भी होती है, एक हमारे पास मॉइस्ट भी होती है। मॉइस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव हीट, ठीक है। आग आपको इतना नहीं वो करेगा, दर्द पहुंचाएगा, इतना पेन नहीं, लेकिन अगर आपको कोई स्टीम हो ना, जैसे कुकर होता है उससे हवा निकल रही होती है, अगर उसके हवा के ऊपर अगर आप हाथ रख लेना तो वो आपको ज़्यादा जलाएगा, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट जो होती है ना, ये बहुत इफेक्टिव होती है। और वेट हीट जो होती है ना हमारे पास, नहीं सॉरी रंग नहीं हो गया, वेट और मॉइस्ट एक ही चीज़ है, ठीक है, वेट और मॉइस्ट, और वो तो ड्राई है, ठीक है। तो वेट और मॉइस्ट एक ही चीज़ है हमारे पास, ठीक है, वेट एंड मॉइस्ट, ये हमारे पास ज़्यादा मोर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, मॉइस्ट और वेट। और ये हमारे पास क्या कास करते हैं? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन कास। मॉइस्ट भी नमी को कहते हैं, ठीक है, जैसे गीला गीला, वेट भी गीला को कहते हैं। दूसरा टाइप क्या होती है? ड्राई। ड्राई जो होती है ना, वो फिर क्या करता है? ऑक्सीडेशन कास करते हैं हमारे पास, ठीक है, केमिकल सेल का। वो इतना ज़्यादा, यानी आग ही आग तो हमारे पास अभी इतना हार्ड ड्राई है ना, तो उस पर अगर आप हाथ ऐसे वो भी कर सकते, लेकिन अगर ये मॉइस्ट हीट पे करें ना, तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे। फिर हमारे पास फिजिकल मेथड में फिर एक तरीका आता है पेस्चराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जिसमें आई है हमारे पास, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? फॉर किलिंग एंडोस्पोर सेल्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक यूज़ होते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड 12 मिनट के लिए यूज़ होता है, 71 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड कितने सेकंड के लिए यूज़ होता है? फॉर 3 सेकंड हमारे पास, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। अच्छा, हमारे पास ये बलूचिस्तान में कुछ टर्म यूज़ हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्ट, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इफेक्ट, ऑडिटरी नर्व्स मे कॉज डीफनेस, स्ट्रेप्टोमाइसिन डिफनेस कास कर सकते हैं, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स रिलेटिव मे कॉज डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन टीथ यानी टी से निकले टीथ, और स्टेप्रोमाइसिन डिफनेस हमारे पास, ठीक है, तो ये याद कर लें आप लोग। अच्छा, फिर हमारे पास इंसिनरेशन, ये भी हमारे पास फिजिकल मेथड में आता है इंसिनरेशन, ठीक है। ये क्या है? बर्निंग ऑफ डिस्पोजिबल आइटम, ठीक है, बर्निंग ऑफ डिस्पोजिबल आइटम। हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कौन से रेडिएशन बहुत इफेक्टिव है? लेस देन 300 नैनोमीटर वाले मोर इफेक्टिव, ठीक है, ये फेडरल में हमारे पास मेंशन है। कौन से रेज ज़्यादातर यूज होते हैं? गामा रेज हमारे पास ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें आ जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी फिजिकल मेथड में आता है, ठीक है, जो सब्सटेंसेस हीट सेंसिटिव होती है उनको फिर हम फिल्ट्रेशन से साफ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक हो गए, एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज हो गए हमारे पास, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंजाइम, हार्मोन,
तो ये चीज़ें हमारे पास ठीक है जो हो हीट सेंसिटिव हो। डिहाइड्रेशन भी हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिजिकल मेथड है ठीक है। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ H2O ठीक है। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, लो टेम्परेचर वाला भी हम यूज़ करते हैं, 10 to 15 degree centigrade या 0 to 7 degree centigrade ठीक है। किस चीज़ के लिए लो टेम्परेचर, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा हमारे पास टर्म यूज होते हैं, एक माइक्रोबिसिडल यूज होता है, एक हमारे पास माइक्रो बायोस्टेटिक यूज होता है ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक, माइक्रो बायोस्टेटिक कहते हैं रोकने को ठीक है, स्टॉप करना यानी बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकना, और माइक्रोबिसिडल कहते हैं किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हमारे पास किल करना ठीक है। तो ये टर्म यूज हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा एक हमारे पास दो टर्म यूज हुए हैं बलोचिस्तान में, एक हमारे पास यूज हुए रेजिडेंट फ्लोरा और एक हमारे पास यूज हुए ट्रांजिडेंट। तो ट्रांजिडेंट किसको कहते हैं, टेम्प्ररी, यानी बैक्टीरिया अगर टेम्प्ररी लाइफ करे बॉडी में ठीक है, और रेजिडेंट फ्लोरा कहते हैं लाइफ फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हमारे पास ठीक है। तो अगर ये टर्म आ जाए तो यह माना चाहिए टेम्प्ररी है यानी टी से। अच्छा हमारे पास ये स्पोर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, इनसे भी MCQs आते हैं। एक हमारे पास एक्सोस्पोर है ठीक है, एक हमारे पास एंडोस्पोर है, एक हमारे पास सिस्ट है। सिस्ट जो होती है ना, दे आर लीस्ट रेजिस्टेंट, यानी इतनी वो नहीं होती ठीक है, और हीट को भी ये रेजिस्ट नहीं कर सकते ठीक है। एंडोस्पोर जो है ना, ये हमारे पास अगर इनको मारना चाहे ना तो 120 degree centigrade फॉर 1 hour इनको हम मार सकते हैं ठीक है। तो स्पोर इनसाइड द वेजिटेटिव सेल के अंदर ये स्पोर को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है। इसमें फिर कोई रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होती, एंडोस्पोर ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव हमारे पास ठीक है। एक्सोस्पोर किसको कहते हैं, आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल, स्पोर बनाएं बट आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल ठीक है। जैसे हमारे पास एक्टिनोमाइसाइट हो गए, एक्टिनोमाइसिट्स ग्राम पॉजिटिव, और ये हमारे पास ज़्यादातर फिलामेंटस बैक्टीरिया में भी एक्सोस्पोर हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ओके। और यहाँ पे हम अपने डिस्कशन पे ख़त्म करते हैं।